जहां एक तरफ मैथ्यू हेडन का युवराज सिंह को टीज करना या यूं कह लीजिए कि चिढ़ाना काफी ज्यादा बुरी तरह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर गुस्सा निकालकर युवराज सिंह ने मैथ्यू को ट्रैक कर ऑस्ट्रेलिया की हार को लेकर अपनी तैयारी टीम इंडिया के जज्बे को और बढ़ाते हुए खुलकर कहा कि इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप का क्राउन भारत लेकर आएगी। जी हाँ, और इन सब के बावजूद टीम को लेकर परेशानियां जो कि सोशल मीडिया पर पड़ी थी, जिस तरह की तंज कसने का सिलसिला शुरू हुआ था एक दूसरे को लेकर अनुभवी खिलाड़ियों के बीच, अब एक अनुभवी खिलाड़ी की वजह से टीम इंडिया को परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी परेशान हो गए हैं। जी हाँ, साउथ अफ्रीका को हराकर 5 जून की तारीख को टीम इंडिया ने पहले तो साउथ अफ्रीका को जवाब दे ही दिया, जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैथ्यू हेडन के उस पोस्ट किए गए टैग के अकॉर्डिंग काफी खुशी नजर आए थे। तो वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम से होने वाले मुकाबले पर अगर बात की जाए तो इस मुकाबले को लेकर हर किसी के बीच यही चर्चा है कि इस बार जीत अगर इस मैच में टीम इंडिया की नहीं होती है तो टीम ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन का कहना कहीं ना कहीं युवराज को और भी बड़ा झटका देगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर भिड़े थे युवराज सिंह, ट्विटर पोस्ट के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं टीम इंडिया का जोश बढ़ाया। और इन सब के बीच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर जो तैयारी चल रही थी, इसके पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक गेंदबाज को तकलीफ होने की खबर आई। टीम इंडिया को इससे काफी ज्यादा निराशा का सामना भी करना पड़ा। अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया, ये खबर आई है सामने कि ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर, जो कि प्रैक्टिस मैच में व्यस्त थे, उनके शॉट से भारतीय मूल के नेट गेंदबाज के सिर पर गेंद लग गई, जिसके बाद वह जमीन पर गिर पड़े थे और दर्द से कराह रहे थे। गेंदबाज को स्ट्रेचर पर रखकर मैदान से फिर बाहर लाया गया था। और तो और खबर ये भी आई कि अस्पताल जाते वक्त गेंदबाज ने ये जानकारी दी थी कि उनके सिर पर लगी है गेंद और वो अभी ठीक है। उनका नाम जय किशन माना जा रहा है, वो तेज गेंदबाज है ये माने जाते हैं। आईसीसी के प्रबंधक माइकल गिब्सन ने इस पर जानकारी दी कि जय किशन को 24 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। ये भी जानकारी मिली है कि नेट गेंदबाज को चोट लगते ही ऑस्ट्रेलिया खेमे में खिलाड़ी सदमे में आ गए थे। जी हाँ, प्रैक्टिस सेशन में तब इस प्रैक्टिस सेशन को रोकना पड़ा था। हालांकि आईसीसी के प्रबंधक माइकल गिब्सन ने इस पर यह भी बयान दिया कि राहत है अभी फिलहाल उन्हें और अभ्यास दोबारा शुरू किया जाएगा। ये खबरें तब आई थी जब मैच शुरू नहीं हुआ था। मैच शुरू होने के बाद इस पर झटका देने के लिए तैयार हो गए हैं खिलाड़ी। वार्नर काफी परेशान थे, ऐसे में उनकी परेशानी का नतीजा आज टीम ऑस्ट्रेलिया को भुगतना न पड़ जाए ये देखना होगा टीम का नतीजा सामने आने के बाद। बताते चले आपको, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने कहा था कि उन्होंने जो शॉट खेला उससे गेंदबाज को तकलीफ हुई और उससे वार्नर काफी परेशान रहे। उन्हें ये भी बताया गया कि जो गेंदबाज है वो अस्पताल में है और लेकिन चिंता की बात कोई नहीं है, जिसकी वजह से आज टीम फॉर्म में नजर आएगी और इस पर जो बात की जा रही है इसका नतीजा मैदान पर देखने को मिलेगा। क्या युवराज सिंह जो बात बोले थे इस पर टीम इंडिया उन्हें उम्मीदों पर खरे उतर कर उन्हें और भी ज्यादा उल्लास हर्षोल्लास से भर देगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से तृप्ति की रिपोर्ट।